हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बटन रेसिपीज। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिलिशियस मिक्स वेज पास्ता बनाने की रेसिपी, जिसे एक यूनिक ट्विस्ट देके मैंने बनाया है, जिसमें इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल दोनों कंबाइन करके ये रेसिपी बनाई गई है। और इसका टेस्ट भी उसी हिसाब से बिल्कुल यूनिक है। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अगर पसंद आए तो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी उबाल लिया है 8 से 10 कप, जिसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दिया ये ऑलिव ऑयल, जिससे कि पास्ता जो है आपस में चिपके ना। और इसमें अच्छे से जब इस तरीके से उबाल आने लगे तब आप इसमें डाल दें 300 ग्राम्स पास्ता। कोई भी तरीके का पास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है, मैंने यहाँ पर स्पाइरल जो पास्ता आता है उसका इस्तेमाल किया है। अब इसको उबलने देना है, इसलिए थोड़ा ढक्कन ढक देते हैं ताकि फिर से इसमें उबाल आने लगे। और करीब करीब 8 से 10 मिनट तक आपको इसको उबालना है, जब तक कि ये स्टेज ना आ जाए जिसे हम बोलते हैं अल दांते स्टेज, जिसमें पास्ता को इतना कुक किया जाता है कि पास्ता एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए। बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना परफेक्टली कुक करना है कि फर्म टू बाइट रहे पास्ता। मतलब कि जब आप उसे बाइट करें तो हल्का सा फर्म लगे आपको पास्ता, लेकिन ना तो कच्चा होना चाहिए ना ओवर कुक होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, इस तरीके का पास्ता हमने बॉयल कर लिया और स्टॉक जो है इसका अलग निकाल के रख लिया, जिसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। पास्ता परफेक्टली बॉयल होता है तो इस तरीके से एकदम खिला खिला रहता है और बिल्कुल भी आपस में चिपकता नहीं है। चाहे आप कितनी भी देर इसको रखते हैं, जब तक हम सॉस प्रिपेयर करेंगे तब भी पास्ता बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अब सॉस प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए 1 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको स्लाइस कर रखा है हमने रफली। हल्का सा इसको सॉटे करेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, अच्छे लाल टमाटर का इस्तेमाल करें आप। ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल इसलिए करना है इसमें हमको कि इसमें जो सॉस हम प्रिपेयर करें वो थोड़ी सी सॉस रहे। अब इसमें डाल दिया हमने नमक, साथ में डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और हल्का सा पहले इनको स्पाइसेस को कुक कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से इसको हल्का सा कुक करने के बाद आप इसमें डाल दें जो स्टॉक हमने बचा कर रखा था, जिसमें हमने पास्ता बॉईल करा है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 कप। अब इसके अंदर डालेंगे हम शुगर, तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें चीनी। और बस जब ये सॉफ्ट होने लग जाएं आपके टमाटर तो इसको आप गैस का फ्लेम से हटा लें और इसको ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद आपको इस तरीके से इसका प्योरे बना लेना है। अब एक पैन ले लिया मैंने, उसमें 1 टेबलस्पून बटर और 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल को कर लिया हीट। उसमें डाला है 4 से 5 फाइनली चॉप की हुई लहसुन की कलियाँ, इसको हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें 1 मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई प्याज जाएगी। प्याज को भी 1-2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे। प्याज को ओवर कुक यहाँ पर नहीं करना है और उसके अंदर डाल देनी है थोड़ी सी चॉप्ड कैप्सिकम और साथ में कैरेट। इसको लगातार इस तरीके से वेजीज को चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए हम करेंगे स्टर फ्राई और फ्लेम इस टाइम रखेंगे थोड़ा हाई। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टमाटर रफली चॉप किया हुआ और उसके बाद इसमें जाएगा नमक, ताकि वेजीज जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा कुक होने लग जाए। हल्का सा इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, तो सॉल्ट और ब्लैक पेपर टू टेस्ट डाल दें आप इसमें और उसके बाद स्टर फ्राई कर लें इन वेजीज को। तो वेजीज को यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि सॉस में भी हमें वेजीज को पकाना है। 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से ढक्कन ढक के इसको हमने पका लिया और उसके बाद अच्छे से पहले एक बार इसको मिक्स कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें फ्रेश इस्तेमाल करी हैं। अगर आप फ्रोज़न इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रोज़न बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। अब इसके अंदर डाल दिया हमने जो प्योरे हमने बनाकर तैयार करी थी वो, और साथ में मैं डाल रही हूँ कॉर्न, क्योंकि ये कैंड कॉर्न है इसलिए मैं इसका बाद में इस्तेमाल कर रही हूँ, बाद में इसको ऐड कर रही हूँ वेजीज के साथ, मैंने इसको पहले नहीं डाला है, क्योंकि कैंड कॉर्न जो है वो अपने आप में ही बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको पकने के लिए। बस अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी शुगर और 1 चम्मच के करीब और ढक्कन ढक के इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये सॉस नज़र आ रही है वेजीज के साथ। तो 1-2 मिनट के लिए और इसको मैं ढक्कन ढक के पका रही हूँ ताकि सॉस थोड़ी सी हमारी और थिक हो जाए। तो ये देखिए, हमारी सॉस बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम पे तैयार हो चुकी है।
तो अब इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें चीज़। तो मैं यहाँ पर शेडार चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे परफेक्ट लगती है शेडार चीज़ इसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ी नहीं होता है, स्ट्रेची नहीं रहता है जब पास्ता हम उसको खाते हैं। तो आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिक्स हर्ब्स, जिसमें मैं ऑरिगैनो, बेजिल और थाइम का इस्तेमाल कर रही हूँ। और हर्ब्स डालने के बाद ऊपर से इस तरीके से हम पास्ता को स्प्रेड कर देंगे सॉस में, और उसके बाद इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा ये पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है। चीज़ी भी बहुत हो गया है, क्योंकि सॉस के साथ चीज़ जो हमारी मिक्स हुई है उसके साथ पास्ता पे अच्छे से कोट हो गई है ये थिक सी सॉस बनकर। ढक्कन ढकेंगे 2 मिनट के लिए धीमी आंच करके, और बस बिल्कुल रेडी है ये परफेक्ट पास्ता। इसमें चॉप्ड डालें आप पार्सले या सिलांट्रो, जो भी आपके पास है, और ऊपर से थोड़े से डालेंगे इसमें हम चिली फ्लेक्स। एंड नाउ ये पास्ता बनकर हो चुका है बिल्कुल तैयार, जिसका जायका ऐसा है कि जब आप इसको बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना डिलिशियस बनकर आता है इस तरीके से पास्ता। तो ये परफेक्ट पास्ता हमारा बनकर रेडी है, इसको करते हैं हम प्लेट आउट। तो ये डिलिशियस पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे आप बनाएं, खाएं और इंजॉय करें, और खुद तो इंजॉय करें ही करें, साथ में शेयर करें ये रेसिपी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ, ताकि वो लोग भी इसे बना सकें, खा सकें और इन्जॉय कर सकें। सिंपल इजी सी रेसिपी है, जिसमें थोड़े से ट्विस्ट है, बहुत ही डिलिशियस इसका टेस्ट आता है, जब आप ट्राई करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको आती हैं पसंद। जल्दी मिलूंगी एक और नई सुपर इजी इंटरेस्टिंग टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।